हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। माय नेम इज संजय पटेल और हमको सॉल्व करना है आज एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 41। तो ये पेपर काफ़ी लेंदी है तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक मूविंग पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है 1 MeV, ये दोनों इनहेलेट करते हैं। इसके बाद दोनों क्या करते हैं, गामा रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक है। 2 गामा फोटॉन्स को इमिट करते हैं। इनका रेस्ट मास की एनर्जी दी गई है 0.51 MeV। तो वेवलेंथ पूछा गया है प्रत्येक फोटॉन की, ईच फोटॉन की वेवलेंथ आपको बतानी है, ठीक है। तो पहले टोटल एनर्जी निकालो, दोनों की टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो रेस्ट मास की एनर्जी आपसे कहा गया है कि 0.51, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी, 0.51 + 0.51, ठीक है, 0.51, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.02, ये हो जाएगी रेस्ट मास की एनर्जी। अब इनके पास काइनेटिक एनर्जी दिया था 1 MeV एक का, ठीक है, पॉजिट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही, तो दोनों मिला के 2 MeV हो जाएगा, 2 MeV, ठीक है। तो टोटल एनर्जी अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3.02 MeV। अब एक फोटॉन की बात की जाए तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो दोनों फोटॉन का होगा, तो 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो ये एनर्जी आपकी निकल के आ जाएगी 1.51 MeV, ठीक है। अब आपको बताना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, लैम्डा इजकल टू 12,400, ठीक है, 12,400 अपान एनर्जी रख दोगे इलेक्ट्रॉन बोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया 1.51 MeV दिया, तो 10^6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी वेवलेंथ हेंगस्ट्रॉम में, ठीक है। बस इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 8.2 × 10^-3 हेंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे हीलियम आयन की बात की गई कि इसका इलेक्ट्रॉन उसका एक्साइटमेंट हो रहा है किसी लेवल पे, उसका वेवलेंथ यहाँ पे जो मीट हो रही वो है लैम्डा, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि जो इसमें स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देती है वो 6 दिखाई देती है, तो पहले हम यहाँ से एन निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद लैम्डा पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एन निकालना है कि किस ऑर्बिटल में वो जाएगा, ठीक है, एक्साइट होके। तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला होता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 6 दिया, तो n − 1/2 के बराबर, तो इधर हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा n² − n, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा n² − n − 12 = 0, ठीक है। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अभी थोड़ा सा इसको और सिंपलीफाई करो, तो n² यहाँ पे ले सकते हो 4n − + n, ठीक है, +3n − 12, क्योंकि क्या जोड़ने पे ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई कराने पे इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से n कॉमन लोगे तो हो जाएगा n − 4, +3 कॉमन लोगे तो यह हो जाएगा n − 4, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी -3, तो माइनस में हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू 1 आ रही +4, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ गई +4। अब आपको लैम्डा निकालना है, तो 1/λ = क्या होता है, r² r की वैल्यू यहाँ पे शायद दी गई है क्वेश्चन में, अगर नहीं दी गई तो आप रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। r की वैल्यू कितनी होती है, 1.097 × 10^7, z² लिथियम का z होता है 3, तो स्क्वायर करोगे हो जाएगा 9, यहाँ पे स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो रहा था और कहाँ पे गया 4th में, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। लैम्डा सॉल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा 10.8 नैनोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभी अच्छा क्वेश्चन है, कोई मास है m, ठीक है, इसकी वेलोसिटी दी गई v, ये कोलाइड करता है इन इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे कहा गया, ठीक है, अनदर आइडेंटिकल मास है उससे कोलिजन होता है इसका, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास मूव विद द वेलोसिटी v/√3, ठीक है, v/√3 से परपेंडिकुलर मूव करता है, तो सेकंड वाले मास की आपको स्पीड बताएं, ठीक है, स्पीड ऑफ द सेकंड मास आफ्टर कोलिजन आपको बताना है, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन ये इतने एंगल पे आ रहा है, ठीक है, इस एक्सिस से थीटा एंगल पे आ रहा है, तो इसका कंपोनेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, mv1 sin θ, इसकी वेलोसिटी हम मान ले रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन v1 हो जा रही है, और ये हो जाएगा mv1 cos θ, ठीक है। तो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है, COLM लगाएंगे, तो देखिए यहाँ इस x एक्सिस पे, ठीक है, पहले x एक्सिस पे लगाओ, तो इधर क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी हो रही है, तो v हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0 क्योंकि रेस्ट पे है, तो 0 = अब देखिए ये परपेंडिकुलर मूव करा, तो इसका मोमेंटम जो भी होगा तो x एक्सिस पे 0 होगा, तो इसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका mv1 cos θ के बराबर, ठीक है। ये आ गया आपका x एक्सिस में लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है। अगर y एक्सिस की बात की जाए तो y एक्सिस में इनिशियली 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 0 = y एक्सिस पे इसका क्या है आपका, यहाँ पे हो जाएगा v/√3, ठीक है, mv/√3 हम यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन इसकी नेगेटिव, तो ये यहाँ पे कर दोगे -mv1 sin θ, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, mv1 cos θ = mv आ गया, mv1
कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया एम बी, और इधर इसको ले आओ तो ये हो जाएगा एम वी वन साइन थीटा इज इक्वल टू वी वाई रूट थ्री ऑफ एम। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल दोनों, यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या इसको अगर पलटोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट थ्री, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, देख लो यहाँ पे क्या है, नहीं ये रूट थ्री ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वी वाई रूट थ्री था तो चला जाएगा ऊपर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई रूट थ्री, या थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको यहाँ पे चाहिए था स्पीड, तो V1 निकालना है। ठीक है, V1 यहाँ पे चाहिए तो आप बस यहीं पे वैल्यू रख लो, इसी क्वेश्चन में रख लो, तो यहाँ पे एम वी इज इक्वल टू एम वी वन चाहिए और थीटा की वैल्यू 30 है, तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू। ठीक है, कॉस 30 कितना होता है रूट थ्री बाई टू होता है, एम से एम जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा ऊपर, रूट थ्री आ जाएगा नीचे, तो 2B बाई रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता तो सीधे हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन, इसलिए हमको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी वी नॉट है, यहाँ पे इसकी टक्कर होती है। ठीक है, यहाँ पे कोलिजन होता है, अब सेंटर से कितनी दूरी पे है, x डिस्टेंस पे, इसकी जो रॉड है इसका पूरा लेंथ l है और मास इसका कैपिटल m दिया गया है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन यहाँ पे कहा गया कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाता है, कह रहा है इफ द वैल्यू एक्स सो दैट द पॉइंट ए ऑफ द रॉड रिमेन्स स्टेशनरी, जो ये ए पॉइंट है ये स्टेशनरी रह रहा है आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ पे एल बाई एन दिया गया है। ठीक है, तो एल बाई एन दिया गया, तो एन की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं, तो क्या करेंगे हम पहले यहाँ पे वही लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका, देखिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम वी नॉट इज इक्वल टू एम वी सी एम, वी सी एम क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है, इस पूरे रॉड की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी करना हमको। ठीक है, अब फिर आप क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये सी ओ एल एम हो गया, अब लगाना सी ओ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ इसके अबाउट करना है हमको, तो क्या करोगे एम वी नॉट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आई कितना होगा 1/12 एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आई और ओमेगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहां से ओमेगा निकाल लो आप, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा एम वी नॉट एक्स, और ये 12 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 12 अपॉन एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये जो एम एल स्क्वायर है ना, तो ये कैपिटल एम रखना है इसको, क्योंकि ये है आपकी जो रॉड है इसका मास है। ठीक है, अब वी सी एम यहां से निकालो, तो वी सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी एम इक्वल टू हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा आपका, अरे यार ये भी कैपिटल एम होगा। ठीक है, रॉड का मास है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम बाई एम वी नॉट के बराबर। ठीक है, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि ए जो पॉइंट है वो रिमेन्स स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, तो वी सी एम इजकल टू क्या लिखोगे आप, एल ओमेगा बाई टू। ठीक है, वी सी एम इजकल टू लिख दो, वी इजकल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, तो वी इजकल टू होता है आर ओमेगा। अब आर कितना रखो, एल बाई टू रखो, क्योंकि ये लेंथ कितनी है, यहां से देखो कि ये लेंथ सेंटर ऑफ मास की तो कितनी है भाई, वी सी एम यही तो लोगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ले रहे हो, तो लेंथ भी यही लोगे एल बाई टू, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई टू इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू ये अभी आपने निकाला है, तो इसको रख सकते हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट एक्स, ये 12 भी है यहाँ पे, अपॉन कैपिटल एम और एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, देखिए एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, मास तो कैंसिल होगा नहीं, कैपिटल एम ऐसे ही रहेगा, बाकी ये आ जाएगा आपका वी सी एम। ठीक है, अब यहाँ पे वी सी एम की वैल्यू रख दो, तो वी सी एम की वैल्यू यहां से रखोगे क्या हो जाएगा, स्मॉल एम वी नॉट अपॉन कैपिटल एम, तो हो जाएगा स्मॉल एम वी नॉट अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम से कैपिटल एम कट गया, यहाँ पे एल बचा है क्योंकि एक ही एल अभी तक कटा है। ठीक है, यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो बच रहा है, एल यहाँ पे बच रहा है, तो एल चला जाएगा इस तरफ, तो हो जाएगा एल, और ये 2 से 12 को कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 6, तो आ जाएगा एल बाई 6। ठीक है, आपसे पूछा गया था एल बाई एक्स दिया गया है, ठीक है, एल बाई एन दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कितना निकल गया है, एल बाई 6 निकल गया है। ठीक है, तो अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही 6 के बराबर, जिससे कंपेयर करो तो 6 के बराबर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, यहाँ पे एक फिक्स सेक्शन दिया गया आपको, सर्कुलर ट्रे का। यहाँ से कोई देखिए यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, 53 बना रहा है, ये 37 बना रहा है, ठीक है। ये आपको कह दिया गया इसकी रेडियस है यहाँ पे आर। अब कोई ब्लॉक यहाँ से रिलीज किया जा रहा है और ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, ठीक है। ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है तो ये आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका बताना है कितना होगा। इस ट्रेजेक्टरी का जो फॉलो करता है, यहाँ से लीव करता है इस बी पॉइंट को, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो इसमें देखिए बस थोड़ा सा, अब ये आपको नहीं दिया था, ये तो हमने खुद बनाया, ठीक है। ये इतना आपको दिया था, आपको दिख रहा होगा क्या क्या दिया था। तो हमने इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। तो अगर ये हाइट देखो, ये ओ और सी, तो ओ सी कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। ये है आर, तो ओ सी कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ओ सी आपका आ जाएगा आर कॉस थीटा, कितना दिया है, 53 दिया गया, ठीक है। तो कॉस थीटा, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 के बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम लोग ओ ई, ठीक है। ओ ई, तो ओ ई अगर देखने जाओगे आप, तो ओ ई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ओ ई की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस 37, ठीक है। यहां से इससे देख लो, ठीक है। ओ ई अगर ये हमको निकालना है तो इस वाले ट्रायंगल से देख लो, तो ये हो जाएगा आर कॉस 37, आर कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो ओ ई निकला है, ओ सी निकला, तो हमको ये डिस्टेंस पता नहीं चल जाएगा, तो ये भी निकाल सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा सी ई, तो सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है 4r/5, यहाँ 3r/5, तो जब इसको माइनस करोगे इसको, तो हो जाएगा r/5, ठीक है। तो देखिए इसके हाइट में जो चेंज हुआ कितना हो जाएगा, r/5। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम निकाल लें तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल जाएगा, बस फार्मूला लगाइए। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के तो बराबर होगी, तो 1/2 mv² इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी किसके बराबर होगी, mgh, h यहाँ पे आया आपका r/5, ठीक है। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर वी यहाँ से निकालो तो क्या हो जाएगा, 2gr/5, ठीक है, अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर जी देखो तो जी नीचे लग रहा होगा, ठीक है, नीचे। तो अगर इसका कंपोनेंट देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कॉस 37, ठीक है। ये एंगल कितना आएगा, देखो यहाँ सिमेट्री से देखो तो ये 37 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, जी कॉस 37। ये क्या होगा आपका, ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये होता है v² / r के बराबर। तो v² / r इज इक्वल टू कितना आ गया, जी कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5 के बराबर होती है, ठीक है। कॉस 37 कितना होता है, 4/5 होता, तो ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू रख लो, तो वी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2gr/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2gr/5 इंटू स्मॉल आर इजकल टू जी 4/5, ठीक है। 4/5 देखिए यहाँ पे जो कैंसिल, 5 से 5 गया, ये 4 को 2 से कैंसिल आउट करोगे 2 बचेगा, और यहाँ पे G से G भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से R इस तरफ ले जाओगे, 2 इस तरफ आएगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल r/2 के बराबर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल और टाइम टेकिंग है बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको थ्रो किया गया है v0 वेलोसिटी से, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर इस पे फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे एक आर्क में मूव करेगा। तो इसका आर्क इस तरह बनना है कि ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है। तो जो ये आर्क बना रहा है उसका सेंटर हम मान ले रहे कि ये है, तो इसका सेपरेट डायग्राम हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको निकाल लिया, यहाँ पे बना दिया इसको, तो देखिए अब ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, उस आर्क की रेडियस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा r cos थीटा के बराबर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों r sin थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपरटेनियस होता है, तो ये हो जाएगा r sin थीटा। तो ये इतना r sin थीटा, ये इतना r sin थीटा, तो पूरा आपको निकालना है, तो 2r sin थीटा हो जाएगा। अब ये हम मान ले रहे हैं कि r है, क्योंकि जो बड़ा वाला सर्किल आपको दिया था उसका रेडियस यही तो था, तो ये हो जाएगा r, तो r इक्वल टू हो जाएगा 2r sin थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2r sin थीटा के बराबर। अगर r यहां से देखो तो अब देखो 2 और साइन थीटा, तो ऐसे लिख दो। अब आर क्या होता है, आर मैग्नेटिक फील्ड में होता है mv0/qv के बराबर होता है, ठीक है। तो बस इसको रखो यहां पे, तो अब क्या करना है आपको, इसको रखोगे आर की जगह पे, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या होता है, mv0/qv के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे रखो, तो ये हो जाएगा mv0/qv, ठीक है, ये हो गया। अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए थी, ठीक है, वेलोसिटी चाहिए थी, तो वेलोसिटी एक तरफ रखो, बाकी सारी चीजें एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा qv R/ ये mv भी नीचे जाएगा, mv0/sin θ के बराबर, ठीक है, और 2 भी रहेगा, ठीक है, 2 भी तो है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कहा गया कि किसी वायर का रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 ओम है और 500 डिग्री सेल्सियस पे 60 ओम है, तो इसका कितने टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस 25 ओम होगा। तो देखिए हमने ये फार्मूला लगाया, आरटी का यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगी 20 ओम के लिए, ठीक है, 20 ओम 20 डिग्री सेल्सियस पे, 60 ओम 500 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
500 अल्फा इज टू, यहाँ 3 है तो आ जाएगा 3 प्लस 20 इंटू 3 हो जाएगा 60 अल्फा, इधर लाओगे तो हो जाएगा 540 अल्फा इज टू, यहाँ 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 2, तो अल्फा इज टू हो जाएगा 1/220 के बराबर, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको निकालना है आर 25 कितने टेम्परेचर पे होगा ये पूछा है, तो 25 ओम आर नॉट यहाँ पे 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली 220। अब टाइम टेम्परेचर हमको चाहिए, ठीक है, और ये कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रख लो। तो दिया गया आपको 20 आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू तो सेम होगी, ठीक है, इनटू टाइम दिया गया आपको 20 डिग्री पे था ये 20 ओम, कैंसिल करो आर नॉट, इससे हमको आर नॉट नहीं निकालना पड़ा, थोड़ी सी आसानी आई हुई है, यहाँ पे कैंसिल करोगे यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 20 करोगे तो हो जाएगा 100 अपॉन 220 इजिकल टू 4 को इस तरह मल्टीप्लाई करो तो 4 ऊपर हो जाएगा 40 अपॉन 220 के बराबर, ठीक है। तो देखो 4 को इस तरफ लगाओ तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, ठीक है, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस आप 220 इजिकल टू हो जाएगा 40 अपॉन 220, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 220 है, 220 माइनस 100 करोगे तो आ जाएगा 120, 120 इज इक्वल टू यही तो रहेगा 40 अपॉन 220, तो 220 220 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक तो नहीं हो रही, देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 इधर माइनस करो तो 5 माइनस 4 यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 220 प्लस 100 तो हो जाएगा 320 के बराबर, ठीक है, 320 अब यहाँ से 220 220 कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 इक्वल टू 320 आ गया, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर। एसी ऑफ रेजिस्टेंस आपको दिया गया, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस पे और 37.5 डिग्री सेल्सियस पे 4:5, तो आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि अल्फा आपसे यहाँ पे पूछा गया। देखिए दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका 15 डिग्री पे हो गया 37, तो आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दिया गया आपको 4 अपॉन 5, तो 5 को इस टाइम इस तरह मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 15 तो हो जाएगा 75 अल्फा इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 37.5 इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा 150 अल्फा के बराबर, तो 75 यहाँ माइनस होगा तो हो जाएगा 75 अल्फा इजकल टू यहाँ पे 4 इस तरफ आएगा तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, तो अल्फा इजकल टू आ जाएगा 1 अपॉन 75 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने किया था, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी दी गई 90%, तो इसको लिखो 90/100 इजकल टू आपसे पूछा गया सेकेंडरी क्वाइल में करंट कितना होगा, ठीक है, आईएस निकालना है, वीएस की वैल्यू आपको दी गई यहाँ पे 230 वोल्ट, यहाँ पे आपको आईएस निकालना है, यहाँ पे वीपी दिया गया है 2300 वोल्ट इंटू प्राइमरी कॉयल में जो करंट दिया गया है 5 एम्पियर के बराबर, ये जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50, तो 50 इस तरफ ले जाओ तो 90/50/100, 50 × 2 हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 45, तो जो सेकेंडरी कॉयल में करंट निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 45 एम्पियर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे कोई क्वाइल है इसका इंडक्टर दिया गया है, ठीक है, इंडक्टेंस दिया गया 5 हेनरी के बराबर, इसको ज्वाइन किया गया कि ईएमएफ के साथ 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 ओम दिया गया है, ठीक है, आपको ईएमएफ बताना है टी इजकल टू एल एन रूट टू के सेकंड पे, ठीक है, तो देखिए आई इजकल टू क्या होता है ई अपान आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी एल बाई आर, ठीक है, फॉर्मूला मोस्टली लोगों को याद होता है, तो आई इजकल टू वी इजकल टू आई आर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका ई आर, ठीक है, ई आर हो जाएगा, अब यहाँ पे ई आपको दिया गया 6 वोल्ट, तो 1 माइनस ई, और T की वैल्यू दी गई आपको एल एन टू, आर की वैल्यू दी गई 10, L की वैल्यू दी गई 5, तो 5 × 2 = 10, तो एल एन यहाँ पर रूट टू दिया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 6 1 माइनस ई की पावर माइनस हाफ एल एन टू रूट टू, ठीक है, एल एन टू रूट टू या 2 की पावर 3/2 कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 1 अपान हो जाएगा, ठीक है, 1 अपान हो जाएगा तो ये पावर हो जाएगी प्लस में, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ई की वैल्यू होती है 2.71828, ठीक है, ऐसे होती है, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो 1 − 1/2 आता है, ठीक है, इसका आता है 1/2 वाली इसकी पूरी निकल के आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है, तो ई आर आपका कितना आ गया 3 वोल्ट के बराबर आ गया। अब कह रहा है कि उस इंडक्टर में कितना वोल्टेज जाएगा, ठीक है, तो इंडक्टर में तो जितना आपने दिया था जितना रेजिस्टेंस में निकल गया और जो बचेगा वो इंडक्टर में जाएगा, तो टोटल था आपके पास 6 वोल्ट, ई था 6 वोल्ट, ई आर आपका आएगा 3 वोल्ट, तो 6 − 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वोल्ट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज हेमीस्फीयर है, ठीक है, रेडियस इसका आउटर रेडियस दिया गया वी, इनर रेडियस है ए, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी रो दिया गया है, एक हेमी स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस ये यहाँ से निकाल लिया जाता है जिसका रेडियस V/2 है, ठीक है, ए जो निकाला जा रहा है हेमी स्फेरिकल कैविटी वो कितना है उसका रेडियस V/2 है, ठीक है,
तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, इफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कैविटी इज एन रो वी स्क्वायर अपॉन 16 ईटा, देन एन की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पहले पोटेंशियल निकालते हैं, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स, ठीक है। अब एक्स मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमको चाहिए, ठीक है, यहाँ इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चार्ज तो हमको दिया नहीं गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इससे चार्ज निकालने क्या करेंगे, सर्फेस एरिया निकालेंगे। तो 4 पाई एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस पे चाहिए तो एक्स स्क्वायर करेंगे, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटू रो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा चार्ज, तो क्यू की जगह इसको आप रख लो, तो ये वी, ये इसको के लिख दो अभी, ठीक है, बाद में वैल्यू इसको रख देना। क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स रो अपान एक्स, ठीक है, यहाँ से एक्स और एक्स हो जाएगा कैंसिल, बाकी के 2 पाई रो बाहर ले लो, ठीक है, के 2 पाई रो यहाँ पे आ जाएगा बाहर। और यहाँ पे एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ पे अपर लिमिट रखोगे एक्स की जगह, तो वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो सीधे लिख दो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गए, अब आपको वैल्यू दी गई, ठीक है, वैल्यू किसकी दी गई आपको, यहाँ पे ए की वैल्यू कहेगी कि बी बाई टू के बराबर है, या बी की वैल्यू रख लो 2a के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो 2k पाई रो, अब हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, या आपको नहीं वी होगा, ठीक है, वी के फॉर्म में आपको आंसर जो निकालना है वी के फॉर्म में निकालना, तो ए की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ए की जगह वी बाई टू रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे मत करो, इसको ऐसे रहने दो, ए की जगह वी बाई टू रखोगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है, वी स्क्वायर बाई फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस b का मतलब 3b स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर बाई 8 के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर आपको दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया एन रो वी स्क्वायर अपॉन 16 एप्साइलन नॉट के बराबर। अब के की वैल्यू रख लो, तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, वैल्यूज काटो, ठीक है, यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है पाई से पाई गया, यहाँ से रो कैंसिल आउट कर दोगे, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 16 को 8 से कैंसिल करोगे 2 टाइम्स आएगा, 2 को 4 करोगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचा जाएगा 3, तो एन इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, ठीक है, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 के बराबर, क्योंकि ये एन है, यहाँ पे 3 बच रहा है बस। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, दो कॉन्सेंट्रिक हालो स्फीयर है, इसमें स्मॉल रेडियस आर दिया गया, कैपिटल रेडियस कैपिटल आर दिया गया, ठीक है, बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर दिया गया। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा गया कि इक्वल है, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, पोटेंशियल आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ जो भी चार्ज होगा तो किसके फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, भैया जब सरफेस चार्ज डेंसिटी थी तो सरफेस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, ठीक है, जो भी होगा तो क्या होगा, सरफेस के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो वही हमको चाहिए यहाँ पे। तो देखिए आपका जो क्यू आर निकल के आ जाएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, या देखो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो, ठीक है, ये हो जाएगा चार्ज प्लस 4 पाई आर स्क्वायर रो, तो ये किसके बराबर है, टोटल क्यू के बराबर है, टोटल चार्ज इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब आपको चाहिए, अगर यहाँ से रो की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई, और ये कॉमन हो जाएगा r² + r² हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा रो की वैल्यू। अब आपको जहां भी चाहिए, बाहर चाहिए, तो यहाँ पे q अगर r वाले पे चाहिए तो क्या करोगे, डेंसिटी इंटू इसका सरफेस एरिया, तो डेंसिटी हो जाएगा रो, और इसका इसका रेडियस हो गया, और सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो रो की वैल्यू कितना है, q अपान, तो यहाँ पे रखो q अपान 4 पाई आर स्क्वायर + r², ठीक है, ये ध्यान रखना, 4 पाई और कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका क्यू आर निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा, रो यहाँ पे r² अपान r² + r² बस यही निकल के आएगा, तो ऐसे करना है आपको। तो अब देखिए, अब आपको चाहिए पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर वाले का चार्ज तो उसका रेडियस प्लस अंदर वाले का चार्ज तो उसका रेडियस, ठीक है। तो बस अब चार्ज तो आपको पता चल ही जाएगा, रो r², ठीक है, बाहर वाले का चार्ज रखना, तो क्या रखोगे, रो r² अपान r² + r², तो यहाँ पे रखोगे रो r² अपान r² + r², और जो इसकी रेडियस होगी उसको तो रखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा r के बराबर हो, प्लस ऐसे रखोगे रो r² अपान इसकी रेडियस है r, और इसकी वैल्यू दिया था r² + r², ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, क्यू भी तो रहेगा यार, क्यू कहाँ छोड़ दोगे, क्यू भी रहेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बाहर, और ये आपका r² + r² और क्यू रो सब कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्यू रो इन साइड कॉमन होगा r² + r², तो अंदर क्या बचेगा, 1/r + 1/r के
बराबर बचेगा, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा, ठीक है, कट पिट के जो भी निकल के आ जाएगा तो वह आएगा 1/4πε0qr + r/r² + ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई बैटरी है जिसका एम 12 वोल्ट दिया गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसको कनेक्ट किया गया सीरीज में, ठीक है। टेंजेंट कैल्विनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम दिखाया गया, डिफ्लेक्शन 60 डिग्री है, और कह रहा है कि व्हेन द प्लेन ऑफ द क्वाइल अलॉन्ग द मैग्नेटिक रेडियन, ठीक है, मैग्नेटिक रेडियन के अलॉन्ग इसका प्लेन, कह रहा है टू गेट डिफ्लेक्शन 30 डिग्री द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन द सीरीज, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो आई होता है के टेन थीटा के बराबर गैल्वेनोमीटर के, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लो आप, आई इक्वल टू के टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा है और आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो देखिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो r2/r1 हो जाएगा टेन थीटा वन दिया था आपको 60 डिग्री / tan 30 डिग्री, ठीक है। r2 आपका निकल के आ जाएगा, r1 आपको दिया गया था शायद इंटरनल रेजिस्टेंस टू कनेक्टेड विद सीरीज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, हाँ हो, तो टोटल आपको 6 दिया था, ठीक है, टोटल हो जाएगा आपका 6, तो 6 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 और यहाँ हो जाएगा 1/√3, ठीक है, 1/√3 टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो अरे यार कितना रेजिस्टेंस दिया था, रेजिस्टेंस 4 दिया, सॉरी यार 4 दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस 4 दिया है, तो ये 3 ऊपर जाएगा, √3 हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा 12 ओम के बराबर। ये फार्मूला पूछना मत, इसको याद कर लो, आई इक्वल टू के टेन थीटा, ठीक है, डिफ्लेक्शन के लिए फार्मूला यही याद कर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लंदी है, अब ये क्या बताऊँ, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। देखिए किसी मास को फायर किया गया अर्थ सरफेस से, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया, इनिशियल स्पीड इसकी वी नॉट है √gm/re के बराबर, तो मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करता है प्रोजेक्टाइल का, जो मैक्सिमम हाइट है वो है आपका re/x के बराबर, यहाँ पे re है अर्थ का रेडियस, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे नेट फोर्स देखिए, जो नेट फोर्स है वो तो है 0, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है और इसका फोर्स वेक्टर है वो आपस में 180 डिग्री पे होंगे, ठीक है, तो इसका नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लगाएं हम लोग, ठीक है, तो क्या करोगे आप, mv0re, ठीक है, साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू करोगे mvp r max, ठीक है, जितनी हाइट तक इसको जाना है, ठीक है, ये करोगे आप सबसे पहले। तो अब यहाँ से क्या करोगे फिर, चलो इसको ऐसे रहने दो अभी फिलहाल, तो ठीक है, मास को कैंसिल कर सकते हो, बस इतना रहने दो। तो बीपी यहाँ से निकाल सकते हो, बीपी इक्वल टू हो जाएगा v0re sin alpha, ठीक है, r max हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बीपी निकाल सकते हो। अब क्या करेंगे हम लोग, अब टोटल एनर्जी हमको यहाँ पे कंजर्व करना है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ सर्फेस पे है तो gme m/re + आपको स्पीड बताया गया था ½mv0² के बराबर, ठीक है, इसकी वैल्यू भी दी गई थी उसको हम रख लेंगे। अब देखिए अब ये कहाँ तक जा रहा है, r max तक जाएगा, तो gme m अब यहाँ पे रख देंगे r max, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक ये जाएगा, ठीक है, और प्लस ऑफ उस पॉइंट पे वेलोसिटी ½mvp² के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बस अब इसमें वैल्यूज रखना है हमको। तो ये तो इसमें तो कोई वैल्यू रखोगे, वी नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई, ठीक है, वो है आपकी √gm/re के बराबर, gme/re के बराबर, तो यहाँ पे रख लोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा gme m/re + ½mv0 की जगह ये रखोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो gme/re = हो जाएगा -gme m/r max + ½mv0² के बराबर, ठीक है, वीपी होगा, ठीक है, वीपी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से वीपी की वैल्यू आर मैक्स के फॉर्म में यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब रखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है, 4r max² ठीक है, 4r max² -8re r max + 3re² = 0। अब ये क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है, इसलिए हम पूरा नहीं बता रहे, बस ये आप सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे वीपी की वैल्यू रखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो r max = यहाँ पे आ जाएगी re/2 के बराबर, ठीक है, फंडा हमने बता दिया, सॉल्व आप कर लेना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, और ये एग्जाम में करने वाले क्वेश्चन ही है ना, ये नीट के लेवल का क्वेश्चन है, अब भाई पेपर में दे दिया गया तो इसको सॉल्व करना पड़ रहा है, बस इतना समझ लो। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए ये भी लंदी क्वेश्चन है, ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। कोई सैटेलाइट है जिसका मास m दिया गया है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल स्पीड इसकी u दिया गया है, ठीक है, ये कह रहा है कि आफ्टर रीचेज एट हाइट r, अर्थ की रेडियस के बराबर ऊंचाई पे पहुंचने के बाद ये एक रॉकेट को इजेक्ट करता है m/10 मास का, ठीक है,
तो आपसे कह रहा है कि उस रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे, सैटेलाइट को जो हमने लॉन्च किया तब कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां से उस पॉइंट पे हम निकाल लेंगे वेलोसिटी कितनी हुई, तो वेलोसिटी यहां से निकल के आ जाएगी यू के फॉर्म में, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में आ गई वेलोसिटी। अब हमको निकालना है रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब रेडियल वेलोसिटी क्या करेंगे, एम बाई टेन, ये हो जाएगा रॉकेट का मास, ठीक है, और उसका रेडियल वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। अब ये कोलिजन मान लो, ठीक है, कोलिजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, तो एक्सप्लोजन में भी तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, तो एम वन बी वन इक्वल टू एम टू बी टू करते थे। तो एम हो गया रॉकेट का मास एम बाई टेन, और वी रेडियल हो गया रॉकेट की रेडियल वेलोसिटी, और एम हो गया ये उसका सेटेलाइट का मास, और ये वेलोसिटी आ गया, ठीक है। सेटेलाइट की वेलोसिटी तो है ये वी, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको एम से एम कैंसिल आउट कर दो, तो वी आर क्या हो जाएगा, टेन यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो वी आर क्या हो जाएगा, टेन, और ये हो जाएगा रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस जी एम अपान आर ई, ठीक है। तो आ जाएगी रेडियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या, यहाँ भी एम वन बी वन इक्वल टू एम टू बी टू लगाओ, तो एम वन क्या हो जाएगा एम बाई टेन रॉकेट का मास, और ये हो जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी इक्वल टू, अब देखो सेटेलाइट का मास कितना बचेगा, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन बोल दो या आफ्टर इजेक्शन बोल दो, तो कितना मास बचेगा, एम बाई टेन निकल गया, तो नाइन एम बाई टेन बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो कैंसिल आउट हो रहा है, टेन और टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, एम और एम कैंसिल आउट, तो वी टी इक्वल टू नाइन इंटू वी एस सेटेलाइट की वेलोसिटी वहां पे उस हाइट पे, ठीक है। और हाइट पे किसी हाइट पे क्या होता है, सेटेलाइट की वेलोसिटी जी एम अपान आर होता है, लेकिन आर हाइट पे है, तो अर्थ के सेंटर से देखो कितना हो जाएगा, टू आर के बराबर, ये आ जाएगा आपका वी एस। अब आपको चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो बस हाफ एम वी आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी एस स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, तो हाफ एम बाई टेन, ठीक है, ये तो लिख दो आप बाहर, ठीक है। और फिर क्या करो, वी आर स्क्वायर और प्लस वी एस स्क्वायर करो, तो वी आर का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे टेन चला आएगा, तो ये हो जाएगा हंड्रेड, ठीक है, टेन का स्क्वायर होगा, वी आर का स्क्वायर करोगे, और ये इनसाइड क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस हाफ जी एम अपान आर ई, ठीक है, ये आ जाएगा, प्लस वी एस का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर, तो यही आ जाएगा जी एम अपान टू आर ई के बराबर, ठीक है। तो ये एम बाई हो जाएगा ट्वेंटी, और यहाँ पे चाहो तो इसको आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जी एम अपान टू आर प्लस ऑफ हंड्रेड यू स्क्वायर माइनस हंड्रेड जी एम अपान आर ई के बराबर, ठीक है। तो आपका आंसर जो दिया गया है यहाँ पे, देखिए और जो इसमें कॉमन हो रहा है उसको कॉमन भी ले सकते हो आप। तो अभी आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बी, यहाँ पे अगर 100 को आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, यहाँ से 100 कॉमन लो, तो यहाँ से 100, यहाँ पे 100 नहीं तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2 है तो 200 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर वाला कॉमन में निकल जाएगा, तो ये 100 हटाओ ये 100 हटाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एम। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे मैच कर रहा है, इससे थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, आफ्टर इंजेक्शन क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगी, उस रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी, सैटेलाइट की क्या होगी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भैया, इसको समझना ही पड़ेगा, और क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, बीच में एक क्वेश्चन आसान दे दिया है, ठीक है, सन का जो वेवलेंथ दिया गया, ठीक है, रेडिएशन इमिट हो रही है वहां से, उसका वेवलेंथ दिया गया 510 नैनोमीटर, और अर्थ के कहा गया है कि 350 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहां से आपको बताना है कि टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा। तो देखिए वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको याद होगा, लैम्डा टी इक्वल टू होता है कांस्टेंट, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा, आपको टी एस अपान टी ई चाहिए, तो लैम्डा ई अपान लैम्डा एस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है। लैम्डा ई आपको दिया गया है 350 के बराबर, और लैम्डा एस दिया गया है 510 के बराबर, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 35/51 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर पॉइंट लगाओ तो ये हो जाएगा 350 के बराबर, तो ये 51 इंटू 6 टाइम ले जाओगे तो 300 के ऊपर आया, तो लगभग 0.6 के आसपास आना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर दिया गया वी 0.69, ठीक है, 0.69, तो यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बीच में ये भी क्वेश्चन आसानी समझ लो दिया गया है, यहाँ पे एक कोई सोर्स है, ठीक है, यहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही है, आपको यहाँ पे दिया गया 1.25 किलोवाट, ठीक है, यहाँ से इमिट हो रही है, ये 50 आर डिस्टेंस पे है, और ये जो रॉड रखी हुई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस है इसका आर है, तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है, टू पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, सरफेस ऑफ एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका अगर टेम्परेचर चेंज ना हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको बताना रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो, ठीक है, तो वही पावर ही पूछा गया इनडायरेक्टली, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, पावर ही होता है, तो वही आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो मतलब वही पावर बताना है, तो पावर जितना सोर्स से आ रहा है तो कितना आ रहा है, 1.25 × 10³, ठीक है, किलोवाट दिया है तो हमने 3 में चेंज कर लिया। अब देखिए तो कितने एरिया में जाएगा भैया, ये सोर्स है तो ये अपने चारों तरफ फैलाएगा ना, ये रेडिएशन चारों तरफ जाएगी, तो एक स्फेरिकल एनवायरमेंट इसकी तरफ बनेगा, ठीक है, स्फेरिकल इमेजिनरी स्फेयर बनेगा, उसी के थ्रू जाएगा, तो जितना यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई, तो पर यूनिट एरिया हम निकाल लें, फिर इसके एरिया से मल्टीप्लाई कराएं, तो पर यूनिट एरिया, तो देखिए इसका एरिया निकालोगे तो इसका ये हो जाएगा रेडियस 50 आर,
तो 50R का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 50R का तो हो जाएगा यहाँ पे 2500R स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, 4π, ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर, ठीक है, 4π छूटा जा रहा है, ठीक है, 4πr स्क्वायर होगा ना, इमेजिनरी स्फीयर बनना है यहाँ पे, तो 4πr स्क्वायर की जगह 2500r स्क्वायर हो जाएगा। तो 4π देखिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2500 × 4 करोगे तो आ जाएगा 10,000, मतलब 10^4, तो ऊपर ले जाओगे तो 10^-4 होगा, तो माइनस मतलब कि यहाँ पे ये घट जाएगा, ठीक है। तो 10^-1 हो जाएगा यहाँ पे, 10^-1, और शायद इसमें कुछ और दिया था, हाँ 80% इफिशियंसी दी थी, ठीक है, 80% इफिशियंसी दी थी, तो यहाँ भी कर सकते हो आप 80/100, तो यहाँ पे करोगे 80/100, तो 10^ यहाँ पे ये कैंसिल कर दो, और दिक्कत नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ठीक है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाएगा 0.1 J/s आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस हटाओगे 10^-1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.125 को 0.8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपसे, कहा सीधे मैं बताता हूँ, यहाँ पे पावर प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे पी नॉट बाय 2 है, कहा गया है कि ए से बी जाने में, ठीक है, जितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है, ए से बी जाने में जितना वर्क डन हो रहा है उसका 3 गुना के बराबर कितना हीट लग रहा है बी से सी जाने में, ठीक है, बी से सी जाने में जितना हीट लग रहा है तो वो किसके बराबर, 3 times द वर्क डन इंटू ए टू बी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको हीट वी सी इक्वल टू 3 times वर्क डन इंटू ए बी करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करोगे, एन आर टी, ठीक है, टी यहाँ पे टी नॉट हम मान ले रहे हैं, ठीक है, टी नॉट है यहाँ पे, तो अब ले लें P1/P2, ठीक है, हीट के लिए क्या करना है, P1/P2, कहाँ से कहाँ, V से C जा रहा है, तो P1 क्या है, V/2 है, ठीक है, P1 क्या है, P0/2 है यहाँ पे, ठीक है, और P2 यहाँ पे रख दो कि PC, यहाँ पे पहुंच रहे हो C पॉइंट पे, तो रख दो यहाँ पे PC इजकल टू 3 times वर्क डन A टू B, ठीक है, तो 3NRTLN, ठीक है, अब वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, P0 से लेकर V यहाँ तक आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वर्डन के बराबर, बस सॉल्व करो, P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 2, यहाँ पे NR, ठीक है, NR और NR चला जाएगा, T0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, LN P0/2 PC इजिकल टू यहाँ पे बचेगा 3 LN, ठीक है, और क्या बच रहा है 2, ठीक है, तो 2^3 कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, 2^3 कर, तो LN हो जाएगा खाली, तो LN दूसरी तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो PC निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका P0/2, और यहाँ पे 2^3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2^3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2^3, तो हो जाएगा P0/16 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया गया है, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो यहाँ से पहले P1V1 = P2V2 लगाते हैं, ठीक है, ए से वी हमको जाना है, और आपको वर्डन दिखाया गया कि ए से वी जो वर्डन होता है वो होता है ब्रेकेट में लिखा है x - √x, और फिर ब्रेकेट क्लोज है, और P0V0 के बराबर, तो x की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, तो P1V1 = P2V2 से अगर लगाएं तो P1 आपका यहाँ पे दिया गया है 3P0, V1 आपको दिया गया V0, पावर कितना रखना है 2 रखना है, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको चलना है, और P2 यहाँ पे दिया गया है P0 के बराबर, और V2 अगर निकालने जाओगे स्क्वायर करोगे ये, तो P0 हो जाएगा कैंसिल, तो V2 निकल के आ जाएगा √3V0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, वर्कडन निकालना है, ठीक है, तो वर्कडन क्या, वर्कडन तो P∆V भी होता है, ठीक है, P∆V होता है, तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम कितना आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया √3V0 के बराबर, तो वॉल्यूम में चेंज देख लो, तो 3P0V0 - √3P0V0, ठीक है, ये हो जाएगा वर्डन के बराबर, तो यहाँ पे P0V0 हो जाएगा कॉमन, तो इनसाइड क्या बचेगा, 3 - √3P0V0, तो यही तो इक्वेशन में लिखा है, बट जहाँ पे 3 है वहाँ पे x लिखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे कोई सिलेंड्रिकल वायर दिया गया जिसका रेडियस कैपिटल R है, करंट डेंसिटी आपको कही गई कि वेरी कर रही है डिस्टेंस R से, ठीक है, एक्सिस हम लोग चलते हैं, तो J इक्वल टू दिया गया J0 ब्रैकेट में 1 - R/R² टोटल करंट थ्रू द वायर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, 2π r² होता है, ठीक है, सिलेंडर का एरिया होता है π r², तो dA अगर छोटा सा एरिया लेना हो हमको dA, तो dA/dr करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π r हो जाएगा, तो dA यहाँ से निकालोगे तो dr इधर चला जाएगा, तो dA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π r dr के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको चाहिए टोटल करंट, तो टोटल करंट कहाँ से कहाँ तक, 0 से R, ये पूरा रेडियस इसका R है, यहाँ से चलेंगे R तक जाएंगे, तो यहाँ तक लिमिट इसकी लगेगी 0 से R, J हो जाएगी आपकी करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी, और फिर क्या करना है हमको, छोटे से एरिया का लेना है तो dA की जगह क्या लिख देंगे, 2π r dr लिख देंगे, 2π
आर डी आर। अब जे की जगह ये पूरा टर्म रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जे की जगह रखोगे जे नॉट, तो जे नॉट आपको हो जाएगा बाहर, क्योंकि वो रहेगा कांस्टेंट जीरो से लेके आर तक, और ये आ जाएगा आपका वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका हमको करना है डिफरेंशिएशन टू पाई आर डी आर, ठीक है। तो इतनी डिफरेंशिएशन बोल दिया, तो यहाँ पे टू पाई भी कॉमन रहेगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो जे नॉट और टू पाई ये हो जाएगा आपका कॉमन। इन साइड यहाँ पे क्या बच रहा है, अब बस आर को इसमें मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर बाई टू, ठीक है, आर स्क्वायर बाई टू, और माइनस इसमें जब आर मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा आर क्यूब, इसका इंटीग्रेशन लोगे तो हो जाएगा आर की पावर फोर बाई फोर, ठीक है। और ये आर स्क्वायर भी रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है, जीरो से आर तक रखना है, ठीक है। लिमिट आप लोग रख लेना, वैल्यू आ जाएगी पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई टू के बराबर, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये भी अच्छा क्वेश्चन तो बहुत नहीं कह सकते इसको, बस एवरेज मान सकते हो, ठीक है। ये रेडियस इसकी 2R है, ये वाली रेडियस इसकी R दी गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बताना है। करंट यहाँ पे क्लॉक वाइज है, तो इनसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिंगर को टर्न्स कराओ तो अब देखिए ये कितना पार्ट है, ये 3/4 है। तो देखिए सर्किल के अकॉर्डिंग जो होता है, ठीक है, सर्कुलर कॉयल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है फुल सर्किल के लिए, लेकिन ये सर्किल का कितना पार्ट है, 3/4 पार्ट है, तो इसको लिख दो 3/4 पार्ट। प्लस ये कितना पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट लिखोगे, फिर म्यू नॉट आई अपॉन 2R रखना, तो 2 रखोगे R, अब R की वैल्यू यहाँ पे 2R, तो यहाँ पे 2R भी रखोगे, ठीक है। बस इसमें LCM लोगे, LCM कितना आ जाएगा 2 4 4, ये हो जाएगा 16 LCM आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 2 16, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 3 × 2 हो जाएगा 6, तो 6 म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई, तो हो जाएगा 7 म्यू नॉट आई, ठीक है। तो 7 म्यू नॉट आई अपॉन 16R, ठीक है, ये हो जाएगा इनसाइड द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, ठीक, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड दी गई वी, ठीक है। लाइट यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है किसी प्रोजेक्टर से, प्रोजेक्टर रखा है सेंटर पे, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पे रखा हुआ है, तो जो शैडो बन रही है इस वॉल पे, ठीक है, द शैडो ऑफ द पार्टिकल इज फॉर्म ऑन द वॉल, द वेलोसिटी ऑफ द शैडो अप द वॉल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द शैडो यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, जो आपने पार्टिकल फेंका हुआ है, यहाँ से आपने टॉर्च लगाया, ठीक है, तो इसका जो इस पार्टिकल का शैडो यहाँ पे बनना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी जो हो जाएगी वी डैश, ठीक है, वर्टिकल हमने मान लिया कि वो वी डैश है, तो अगर इसका कंपोनेंट करोगे यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वी डैश कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने मान लिया फाई, यहाँ पे फाई है, अगर देखिए सिमेट्री है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा फाई, क्योंकि ये है 90 डिग्री, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा आपका फाई ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा फाई, तो ये फाई बनेगा, तो ये हो जाएगा v डैश cos फाई के बराबर। अब यहाँ पे देखिए जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी वो रहेगी सेम, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है वी वाई आर होता है, ठीक है, ओमेगा क्या होता है वी वाई आर होता है। तो देखिए आप क्या करोगे v बाई आर, पहले ये वेलोसिटी लोगे और ये डिस्टेंस कितनी है r, ठीक है, ये कितना है r, तो ये करोगे v बाई आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वेलोसिटी कितनी है, ये है v डैश cos फाई, ठीक है, v डैश cos फाई ओपान ये पूरी डिस्टेंस आपको रखनी है, ये आपको कहाँ पता है, ये तो आपको पता ही नहीं, ठीक है, तो इस वाले फाई से निकाल लो, ये फाई दिया आपको और ये आर भी दिया है, ठीक है, तो इससे निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आर कास सेक के बराबर, ठीक है, आर सेक फाई, ठीक है, आर सेक फाई के बराबर आ जाएगा, आर सेक फाई आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको चाहिए वी डैश, तो वी डैश इसका टू हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, वी यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sec फाई, ठीक है, ये sec है यार, sec फाई अपान cos फाई, अगर ये 1 अपान cos फाई को sec ले सकते हो तो एक और sec हो जाएगा, तो sec का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, समझ लेना यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, बस ये ध्यान में रखना आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो, देखिए कोई फाइटर जेट है यहाँ से निकला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी दी गई है 250 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सेलरेशन दिया गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसी एनिमी को ऊपर, हाँ इसका कोई दुश्मन है, ठीक है, ये इसके ऊपर मिसाइल दागता है, इसके ऊपर मिसाइल दागेगा, और उसकी स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकंड दी गई, 60 डिग्री पे फायर कर रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने अल्टीट्यूड पे ये प्लेन को हिट करेगा, तो पहले देखिए हिट करेगा कि नहीं करेगा, तो जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा 600 cos फाई, ठीक है, cos थीटा cos 60 की वैल्यू तो 1/2 हो जाएगा 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये इतना हॉरिजॉन्टली चलेगा, तो ये हम मान लेने की टी टाइम चलता है, इतना टी टाइम चलेगा, ठीक है, टी टाइम में जितनी डिस्टेंस ये चलेगा तो उतना इसको चलना पड़ेगा, तभी इसकी हॉरिजॉन्टल जो ये रेंज होगी वो सेम होगी, तभी हिट हो पाएगा, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी देखिए कितना चलेगा, तो इसका देखोगे तो ये कितना है 250, मतलब यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सुना है ना,
यू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू आपको दिया गया 20 और ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये उसी टाइम में ये भी पहुंचना चाहिए, ठीक है, जिस टाइम में यहाँ पे पहुंचा है उसी टाइम में हॉरिजॉन्टल यहाँ ये भी पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300 इंटू टी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से आप निकालोगे टी, तो टी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0 और 5, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 5 मान के चलोगे आप। अब यहां से आपको निकालना हाइट, ठीक है, तो इसका हाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट लोगे, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 60 साइन थीटा, ठीक है, तो साइन 3/2 √3/2 तो हो जाएगा 300 √3, ठीक है, 300 √3 के आसपास आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो अब क्या करोगे आप, एच इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, यूटी, यूटी कितना आ जाएगा 300 √3 और टाइम कितना लेना है 5 सेकंड, माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, जी की वैल्यू है 10 और टी स्क्वायर करना, टी स्क्वायर की जगह 25 करोगे, ठीक है, आप यहां से एच आपका निकल आएगा, ठीक है, तो एच यहां पे निकल गया 2473 मीटर, ठीक है, तो 2473 मीटर ऊपर जाके हिट करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे दिया गया 3 ब्लॉक दिए गए, ठीक है, इसमें 3 ब्लॉक में जो तीसरा वाला ब्लॉक है सबसे नीचे जो है उस पर फोर्स लगाया जा रहा है एफ, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, सारे सरफेस के बीच में दिया गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया 0.25 दिया गया या 1/4 भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम एग्जर्टेड फोर्स बताना है कि ये जो ब्लॉक है तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करें, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, वेलोसिटी दिया गया है, तो एफवीडी पहले बनाइए, तो एफवीडी हम इसका बना रहे हैं 3m वाले का, तो यहाँ पे फोर्स देखिए इस तरफ लग रहा है, टेंशन इसमें लगेगा पीछे की, ये रस्सी है, यहाँ पे पुली है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा पीछे की तरफ, ये सेकंड वाला ब्लॉक है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इस पे पीछे की तरफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा F2 और इसकी वजह से जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक की वजह से इसको हमने मान लिया कि F3 है, तो F3 जो आ जाएगा वो क्या होगा आपका μ × r होता है, ठीक है, μ × r होता है, तो म्यू की वैल्यू 1/4 लिख ली, 0.25 दिया था तो उसको 1/4 भी लिख सकते हो, × r, अब r कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा m + 2m + 3m, तो 6mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और F2 की बात की जाए तो ये भी μ × n रहेगा, तो म्यू हो जाएगा 1/4 और n नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा 2m + m, तो 3mg के बराबर लगेगा, ठीक है, ये हो गया पहले की FBD, तो इसको इक्वेशन बनाइए, तो देखिए बैलेंस करना है हमको, तो फोर्स इन तरफ लगेगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंशन प्लस F2 + F3, तो ये सारा आ गया यहाँ पे, ये 3mg होगा, ठीक है, 3mg/4 और 6mg/4, हाँ ठीक है, चलो अब बनाएंगे FBD 2m ब्लॉक का, ठीक है, जिसका मास 2m है, तो यहाँ पे देखिए अब इसका जो F2 यहाँ पे पीछे लग रहा था वो वाला यहाँ पे लगेगा आगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा F2 और जो पहला वाला मास है, ठीक है, M1 मास है, जिसका M मास है, M1 नहीं है, ठीक है, तो उस पर लगेगा, उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F1 लगेगा, तो वो भी μ × r लगेगा, तो म्यू तो 1/4 सारी जगह पे है, आर कितना हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 mg और F2 तो यही रहेगा 3/4 mg, ठीक है, 3/4 mg और ये किसके बराबर हो जाएगा टेंशन के बराबर, तो टेंशन यहाँ पे आ जाएगा 1/4 mg और 3/4 mg, तो ये आ जाएगा mg के बराबर, तो बस यही टेंशन रख दो यहाँ पे, ठीक है, टी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा mg प्लस, अब देखिए 3mg/4 6mg/4 तो ये हो जाएगा 9mg/4, तो 9mg/4 और यहाँ पे LCM लोगे तो आ जाएगा 4 और 9 हो जाएगा 13, तो 13mg/4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पे 2 ब्लॉक यहाँ पे हैंग किए गए हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगाया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया, एक मास 2m है और दूसरा मास है m के बराबर, लेकिन स्प्रिंग यहाँ पे अपने नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, नेचुरल लेंथ में यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो कह रहा है अगर इसको यहाँ से कट कर दिया तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, तो भैया जब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, नॉर्मल फोर्स है इसमें, तो ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा, तो क्या FBD बनाओगे तो FBD क्या होगा, नॉर्मल ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं, कोई टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है, ना कोई एक्सटेंशन है इसमें, भाई अगर इसमें थोड़ी सी भी टेंशन होती तो क्या होता, इसमें एक्सटेंशन होती लेकिन नॉर्मल लेंथ इसमें कह दिया गया, तो ऊपर कोई फोर्स नहीं, तो नीचे लग रहा है mg और यहाँ भी नीचे लग रहा है 2mg, ठीक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो जी के बराबर ही आएगा, ठीक है, तो जी हो जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ से एम से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2m से डिवाइड करो, तो 2m से 2m गया, एम से एम गया, तो जी और जी आ जाएगा, तो जो इनका एक्सेलरेशन आएगा डाउनवर्ड जी के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इनिशियल जो इसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड दिया गया, इसमें 3 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं और 2 पॉजिट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको यहाँ पे बताना है फाइनल न्यूक्लियस में, ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3 अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो मास नंबर में 1 से निकालने कितना 4 की कमी, तो 3 से 12 की कमी आ जाएगी और मास एटॉमिक नंबर में 6 की कमी आएगी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको 2 पॉजिट्रॉन भी निकालना है, तो 2 पॉजिट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर है उसमें 2 और कम हो जाएंगे, ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा a-12 और यहाँ पे z-8 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा z-8, ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको चाहिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अरे यार क्या बोला तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको चाहिए तो क्या करना पड़ता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर क्या हो जाएगा a-12 और एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा z-8, तो हो जाएगा z
माइनस ऑफ 8, ठीक है। तो ये माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाता है यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अपान क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो जाएगा, फाइनल न्यूक्लियस में कितना है, जेड माइनस 8 ही बचा है, ठीक है। तो ऊपर आपका हो जाएगा ए माइनस जेड माइनस 4, माइनस 4 कैसे, क्योंकि यहाँ पे प्लस 8 हो गया था, ठीक है, अपान जेड माइनस 8 हो जाएगा। ये आई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे देखिए नियॉन है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा है, डीके हो जा रहा है। तो ये तो दो अल्फा पार्टिकल बन रहे हैं, तो एक अननोन कौन सा बनेगा इसमें कहा गया। तो दो अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे, तो 2 2 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 निकल आया पहले से ही, ठीक है, 4 और 8, तो इतना कितना यहाँ पे कितना बचेगा, 6। तो 6 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका कार्बन, तो ये हो जाएगा कार्बन C12 के बराबर, ठीक है। 12 भी होगा, ये देख लेते हैं हम लोग, 4 2 8 12 8 20, नहीं ये 14 वाला होगा, ठीक है, क्योंकि 22 यहाँ पे लाना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे कोई आइडियल स्प्रिंग है, ठीक है, इसको सपोर्ट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे आइडियल स्प्रिंग है जिसको सपोर्ट किया गया, एक डिस्क, ठीक है, मास उसका दिया गया m, और ये बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इसको रिलीज किया जाता है यहां से इसके ऊपर, तो इसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो ये नीचे तक इसमें जो कंप्रेशन होता है वो v के बराबर होता है, और ऊपर कितना एक्सटेंशन होता है, a के बराबर होता है। तो कह रहा है द ऑसिलेशन रीचेज टू हाइट a अबव द ओरिजिनल लेवल ऑफ द डिस्क एंड द डेप्थ v, ठीक है, डेप्थ हो गया v, हाइट हो गया a, यहाँ पे कहा गया द कॉन्स्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आपको यहाँ पे बताना है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन की बात की है, तो क्या करोगे, इसका एवरेज लोगे, क्योंकि डेप्थ और ये हाइट दोनों अलग अलग दिया गया, तो ये हो जाएगा a बाई 2, नहीं a प्लस बी बाई 2, ठीक है, तो ये होता हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब मीन पोजिशन की बात की जाए, तो मीन पोजिशन एमपी अगर देखा जाए, तो क्या करोगे, अब जो हाइट है, हाइट माइनस करोगे जो आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कितना है, a प्लस बी बाई 2 के बराबर, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी बाई 2 के बराबर, ठीक है। अब मीन पोजिशन, तो फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, के एक्स, और के एक्स किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे के और एक्स, एक्स क्या है, मीन पोजिशन, मीन पोजिशन आपको दिया गया है ए माइनस वी बाई 2, तो ये आ गया आपका के एक्स इक्वल टू करोगे एम जी के बराबर यहाँ पे, ठीक है। अब आपको के चाहिए, तो के तो आसानी से निकल आएगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg अपान ए माइनस वी के बराबर। नंबर 29 है, यहाँ पे टाइम पीरियड आपको बताना है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और ये हाफ पार्ट है इसका, मास इसका एम दिया गया है, रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर है, तो आपको यहाँ पे बताना है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, ये होता है 2πi/mgd, ठीक है, d हो जाएगा यहाँ पे मास, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2πi, देखिए डिस्क का क्या होता है, 1/2 mr², 1/2 mr² हो जाएगा, मास तो एम ही है इसका, जी भी रहेगा, और डी जो होता है ये आपको याद होना चाहिए, डी होता है यहाँ पे 4r/3π, ठीक है, 4r/3π यहाँ पे रख दोगे, 4r/3π करोगे तो 3π यहाँ पे आपका ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 2π/3πr, ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बाई 2 नीचे चला गया तो 8 हो जाएगा, तो 3πr/8g के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन आपको कहा गया है कि बाद में डबल हो जाती है, पहले लैम्डा 1 था, तब काइनेटिक एनर्जी जो थी उसकी डबल हो जाती है लैम्डा 2 वेवलेंथ डालने पे, तो वर्क फंक्शन आपको बताना, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिख रखी है KmxHc/λ1, और ये वर्क फंक्शन आपका φ0 है, ठीक है, तो φ0 ही निकालना, जब लैम्डा 2 डालते हैं तो क्या हो जाता है, 2Kmx हो जाता है। तो देखो आप क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट से यहाँ पे डिवाइड करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे तो आंसर निकाल लेना भैया अभी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ये पेपर बहुत ही लंबी है, ठीक है, तो आप डिवाइड करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका HC/λ1/λ2 और 2λ2-λ1। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फोटो सेल, देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट डाली गई है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स है। कह रहा है अब वहाँ अल्ट्रावायलेट लाइट के अलावा हम डाल रहे हैं एक्सरे, ठीक है, उसकी जगह पे डाल रहे हैं एक्सरे डाल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो भैया देखो जो एक्सरे होता है तो उसका अल्ट्रावायलेट रे से जो फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा होती है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो एक्सरे डाल रहे हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, क्योंकि Kmax क्या होता है, EV0 के बराबर, तो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट को चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं एक्सरे से, तो क्या हो जाएगा, वी मैक्स और के मैक्स दोनों ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए यूट्यूब वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत दिन से इसको हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है
सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो सरफेस टेंशन, अब देखिए जो यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो पी नॉट है, यहाँ पे भी पी नॉट है, ठीक है, यहाँ पे पी नॉट होगा, तो इस पॉइंट पे देखिए लेवल यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे हमने देखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हमने डायरेक्टली रो जी एच लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस रो जी एच करोगे, ठीक है, रो जी एच प्लस आप यहाँ पे जो प्रेशर होगा क्या होगा, टू टी अपान इसका रेडियस है आर टू इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो नॉट प्लस टू टी अपान आर वन, तो रो नॉट, रो नॉट कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए हमने रो जी एच डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका, रो जी एच इजकल टू क्या आ गया यहाँ पे, टू टी आर टू माइनस आर वन अपान आर वन आर टू के बराबर। तो आपको चाहिए सरफेस टेंशन, ये टी चाहिए, तो बाकी जो ऊपर जा रहा है उसको ऊपर ले जाओ, तो रो जी एच आर वन आर टू अपान, अब ये टू नीचे चला जाएगा तो टू हो जाएगा और आर टू माइनस आर वन हो जाएगा, खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए यहाँ पे देखिए ओपन ग्लास ट्यूब था, ये ओपन ग्लास ट्यूब था, तो इसका ये 8 सेंटीमीटर ऊपर निकला हुआ था, तो बाद में क्या किया गया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया गया, इसको क्लोज किया गया, जैसे ये क्लोज है और इसको ऊपर वर्टिकली ऊपर खींचा गया, ठीक है, 46 सेंटीमीटर और ऊपर तक खींचा गया। तो अब आपको बताना इसमें, तो भाई ये जो मरकरी होगा, मरकरी में है तो मरकरी भी थोड़ा सा ऊपर खींच जाएगा, ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि मरकरी जो है वो एक साइड तक ऊपर खींच गए, तो टोटल एयर कॉलम कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर पहले था, 46 फील हमने खींच दिया, तो होना चाहिए 54, लेकिन अब एक्स तो मरकरी यहाँ पे खींच गया, ठीक है, तो कितना बचेगा, 54 माइनस एक्स के बराबर बचेगा, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया वो 76 सेंटीमीटर आप एच जी दिया गया, ठीक है, 76 सेंटीमीटर आप मरकरी दिया गया, तो देखिए पहले कितना प्रेशर यहाँ पे रहा होगा, देखो 76 इंटू कितना लेंथ था इसका कॉलम का, 8 सेंटीमीटर के बराबर था, अब बाद में देखिए बाद में कितना हो गया, 54 माइनस एक्स, तो 54 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या कितना बचेगा, जो मरकरी वाला है मरकरी का पार्ट कितना है एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगा 76 माइनस एक्स के बराबर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 38 सेंटीमीटर, तो 38 सेंटीमीटर अल्टीमेटली क्या होगा, मरकरी भी ऊपर खींच जाएगी, तो जब अब लेंथ कितना बचेगा, ठीक है, ईयर कॉलम का लेंथ कितना होगा, तो ईयर कॉलम 54 माइनस एक्स है, ठीक है, तो 54 माइनस 38 करोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक मिरर लगाया गया है, ठीक है, एक यहाँ पे लेंथ लगाया गया है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा गया 15 सेंटीमीटर दूरी पे, और यहाँ पे इसके बीच का जो डिस्टेंस है मिरर और लेंस के बीच का 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कह रहा है कि दोनों के जब इमेज बनेगी, ठीक है, फाइनल इमेज, तो मैग्निफिकेशन जब दोनों का आएगा तो M1, और फिर उसके बाद इनको एक लिक्विड में मर्ज कर दिया जाता है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 7/6 है, ठीक है, तो बाद में उसका दोनों का मिला के जो आपका मैग्निफिकेशन आता है M2 आता है, तो M1 अपॉन M2 के मॉड का रेशियो आपको बताना है, तो पहले देखो पहले ईयर में, तो वहां पे देखते हैं, तो अब पहले मिरर के लिए देखेंगे, तो मिरर के लिए जो आपका एम होता है, तो क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट का पोजिशन हमको दिया गया है, तो इसका फोकल लेंथ भी दिया गया शायद, हाँ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 10, और क्या होता है एफ माइनस यू, मिरर में तो बताया था माइनस होता है, तो एफ माइनस, और माइनस कितना, माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस 5 आएगा, माइनस 5 10/2 हो जाएगा, 10/-5 तो आ जाएगा -2, तो ये आ गया M1। अब इसका लेंस का देख लेते हैं, तो लेंस के लिए जो होता है क्या होता है एफ अपान एफ प्लस यू होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ, अब एफ की वैल्यू कितना रखोगे, 10 रखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे हाँ ये तो 10 ही रहेगा, और अब देखो अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस बचेगा इसके ऑब्जेक्ट की, अब देखो ये इमेज कितनी दूरी पे बनाएगा, जितनी दूरी पे मिरर इसकी इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट की, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसकी इमेज देखिए जब इसका आपका जो मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है तो 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, और माइनस में आ रहा है तो इसी तरफ आ जाएगा इसका 30 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज, ठीक है, तो अब ये वाली इसकी जो द्वारा इमेज बनाएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे होगा, जब इधर से 30 है तो यहाँ से हो जाएगा 20, तो यहाँ पे करोगे 20, तो 10-20 करोगे तो हो जाएगा आपका -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा जो कैपिटल एम आ जाएगा, तो M1 into M1 करोगे, M1 into M2, तो कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी
यहाँ पे 2 के बराबर, माइनस 2 इंटू 1 करोगे। अब इसको क्या गया, किसी लिक्विड में मर्ज कर दिया गया, 7.7/6 है इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स। अब यहाँ से हमको एक फिर से फोकल लेंथ चेंज होगा, ठीक है, इस लेंस का फोकल लेंथ चेंज, मिरर का चेंज नहीं होगा भैया, ठीक है, मिरर में तो जो आपका बन रहा था मैग्निफिकेशन वही रहेगा, अब लेंस के लिए चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू लेंस का अपान लिक्विड का माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 - 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे तो फोकल लेंथ जो बाद में निकल के आती है उस लिक्विड में आती है 35/2, ठीक है, जो FL निकल के आ जाएगा, FL हुआ जाएगा 35/2, ठीक है। अब फिर से यही फार्मूला लगाओगे, ठीक है, फिर इसे इसी फार्मूले में लगाओ तो मिरर में कोई चेंज नहीं होगा, मिरर में तो जो मैग्निफिकेशन होगा तो वही आएगा, तो वो तो 2 ही रहेगा। और जब इसमें रखोगे F की वैल्यू तो यहाँ पे जो M की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी -0.5/7, ठीक है। तो आप देखिए M2/M1 देखना क्या पूछा क्या गया, क्वेश्चन में देख लेता हूँ, M2/M1, ठीक है। तो M2 क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ M2 पूछा गया है, तो हो जाएगा -0.5/7 - -0.5/2, और पहले कितना आया था -0.5 - -0.5/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो जो इसका रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे दिया गया कोई सर्कुलर बीम है, ठीक है, लाइट की बीम है, यहाँ पे इसका डायमीटर D1 दिया गया, ये 2 सेंटीमीटर के बराबर, ये किसी प्लेन सरफेस पे फॉल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका दिया गया है μ = 3/2, फाइंड द अप्रॉक्सिमेट डायमीटर ऑफ द रिफ्रेक्टेड बीम, रिफ्रेक्टेड बीम का अप्रॉक्सिमेट डायमीटर आपको बताना है। तो इस D1 को अगर कैलकुलेट किया तो D1 = क्या हो जाएगा, PQ cos 60 के बराबर, क्योंकि ये 60 डिग्री, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, PQ cos 60 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, तो D1 = हो जाएगा PQ cos 60 के बराबर, ठीक है। और D2 की बात करी जाए, अगर ये D2 की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, PQR, ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, तो PQR cos θ के बराबर, ठीक है, cos θ की वैल्यू रखोगे यहाँ पे R, तो D1/D2 अगर देखोगे तो D1/D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1/2 R cos θ के बराबर, ठीक, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए स्नेल्स लॉ लगाए, तो स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा, 1 sin I, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया, sin 60 दिया गया है, μ sin R, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, एक बार देख लेते हैं, 3/2 दी गई, ठीक है, 3/2 दिया गया है, यहाँ पे करना है sin R, ठीक है। तो यहाँ से आप sin R निकालोगे तो sin R = आ जाएगा, sin 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, 3 आएगा नीचे, ठीक है। तो √3 से 3 कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे √3 बचेगा, sin R = क्या हो जाएगा, 2/√3 के बराबर, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, आपको चाहिए cos R, ठीक है, तो cos R यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है, sin R की वैल्यू क्या है, 2/√3 है, तो यहाँ पे ये बनाओगे ट्रायंगल, तो यहाँ से निकालोगे cos R की वैल्यू आ जाएगी √2/3, ठीक है। तो D2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, D2 की वैल्यू D1, और D1 दिया गया 2 मिलीमीटर इंटू 2 cos R 2, और cos R की वैल्यू दी गई है 2/3, ठीक है, यहाँ से निकाल लें। साइन थीटा क्या होता है, sin θ = होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपरटेनियस, हो जाएगा 2/√3, ठीक है, इसका स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम से आप cos θ निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, और ये √2/3, तो ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.26 सेंटीमीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 36 आसान क्वेश्चन, इसमें कहा गया ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई सर्कुलर पाथ यहाँ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, और ये पॉइंट यहाँ पे पी है, ठीक है, एट ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल इन द सेम प्लेन, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट पी, एंगुलर मोमेंटम कहा है पी पे क्या होगा। तो देखिए, जब वेलोसिटी, जैसे माना पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मान लो, ठीक है, तो पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी अलॉन्ग द लाइन होगी, ठीक है, इसके अलॉन्ग द लाइन होगी, और जब पार्टिकल यहाँ से जा रहा होगा तब भी अलॉन्ग द लाइन होगा। तो दो पॉइंट ऐसे हमेशा आएंगे हर बार, ठीक है, दो पॉइंट ऐसे आएंगे जहाँ पे इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि अलॉन्ग द एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है 0 at exactly 2 point, तो 2 point पे इसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए यहाँ पे 2 पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल 6.5 kg मास, इसकी वेलोसिटी 2.2 meter per second दी गई, 1.5 meter डिस्टेंस पे है ये ओ से, तो यहाँ पे दूसरा वाला 3.6 meter per second और ये 2.8 meter पे है, ठीक है। तो अब इसका मास कितना दिया गया, हाँ 3.1 kg दिया गया, 3.1 kg के बराबर दिया गया। तो आपको बताना है टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो एंटी क्लॉकवाइज देखा जाए तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस ऑफ MVR करना पड़ता है, तो M की वैल्यू 6.5, V की वैल्यू 2.2 और R की वैल्यू 1.5, ये हो जाएगा माइनस और प्लस। एंटी क्लॉकवाइज अगर निकालें तो कैसे भी निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको क्या करोगे, प्लस हो जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू है M की वैल्यू 3.1, V की वैल्यू 3.6 और R की वैल्यू है 2.8, ठीक है। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना, 9.8 आ जाएगा, ठीक है, 9.8 kg/m² के बराबर। क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। यहाँ पे ट्रांजिस्टर पैरामीटर आपको दिया गया, बीटा और अल्फा पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, ठीक है, β= होता है IC/IB, ठीक है, और α = क्या होता है, यहाँ पे β = होता है IC/IB और अल्फा की वैल्यू होती है IC/IE, लेकिन आपको IC/IE दिया तो इसी से निकालना पड़ेगा, तो 11.6 मिलीमीटर है,
तो यहाँ पे है आपको, यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है 12 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है 12 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया एक्चुअली मिली एम्पियर दिया गया है, यार क्या क्या बोलते रहते हैं, मिली एम्पियर दिया गया तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालना। अब देखिए आपको चाहिए अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 11.6/12, तो ये थोड़ा कम आएगा, एक से थोड़ा कम आएगा, इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसका आएगा 0.97, तो अल्फा हो जाएगा 0.97। अब बीटा की वैल्यू तो ऐसे निकाल सकते हो, तो अब आई सी अपन आई बी छोड़ो, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा होता है, तो अल्फा हो जाएगा 9 से अपन 1 माइनस अल्फा करोगे तो 0.03 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाओ, यहाँ से हटाओगे, 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 आए 3 3 जा 32.3 के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे कहा गया है फॉर द ट्रांजिस्टर द करेक्ट स्टेटमेंट इज, देखिए कलेक्टर करंट इंक्रीज करोगे तो इमीटर करंट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसको भैया याद करो कैसे भी करके, कुछ भी करो, ठीक है। कलेक्टर करंट इंक्रीज होती है विद इंक्रीजमेंट इन द इमीटर करंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे दिया गया टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर को चेंज किया गया 0 डिग्री से 3 डिग्री तक, कह रहा है हीट सप्लाई जो है वाटर को वो क्या है। अब ऑप्शन में दिया गया 300 से कम है, 300 ज़्यादा है, क्या है। देखिए 0 से अगर 4 डिग्री तक आप जाते हो, 0 से 4 डिग्री, तो क्या होता है, डेंसिटी वाटर की बढ़ती है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे हो रहा है निगेटिव, ठीक है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे घट रहा है। अब देखिए फॉर्मूले पे जाओ, प्लॉट लगाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू द डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू आ गया निगेटिव, तो डेल्टा क्यू के बारे में आपसे पूछा गया है, तो डेल्टा यू आपको दिया गया, यू क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एम एस डेल्टा टी इसको सॉल्व करोगे 300 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 300 और माइनस आप कुछ आ जाएगा, डब्ल्यू जो वर्कडन होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो डेल्टा क्यू वो क्या होगा, 300 से ज़्यादा होगा 300 से कम होगा, भैया ये डेफिनेटली 300 से कम होगा, क्योंकि 300 में से कुछ घटा रहे हैं तब इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो डेल्टा क्यू है वो 300 से कम है, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 41, अब यहाँ पे देखिए आपको पैरामीटर दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, प्लैंक कांस्टेंट एच के बराबर दिया गया है, ठीक है। और इसको बराबर करना है आपको, फंडामेंटल यूनिट लेनी है एम के बराबर, मास के टर्म में लिखना है, तो मास किस इनके किस टर्म के किस पावर में होगा। तो एक तो तरीका होता है इक्वेशन बना के सॉल्व करना, दूसरा होता है रख रख के चेक करो, तो रख के चेक करने वाला भी सही होता है अगर सबका याद होगा। तो देखिए अब मास के फॉर्म में हमको निकालना है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है एलटी इनवर्स हो जाएगी, और जो जी का होता है डायमेंशन फार्मूला ये होता है एम इनवर्स एल क्यू टी के पावर माइनस टू, और यहाँ पे आपका प्लैंक कांस्टेंट का लिख दिया, हमने तीनों इक्वेशन बना दिए, तो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है, ठीक है। अगर इक्वेशन 2, 3 की बात की जाए तो इसको जोड़ दो, तो ये ऐसे माइनस ए से प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 3b से माइनस 2b हो जाए तो बी प्लस सी, ठीक है, वी प्लस सी इज कल टू 0 हो जाएगा, तो वी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, वी इज कल टू माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, मतलब जो वैल्यू वी के होने चाहिए वो माइनस ऑफ सी के बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे शायद एक ही दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो सी वाला मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी में क्या दिया है, बी का जो दिया है -1/2 दिया है, और सी का दिया गया +1/2, और यहाँ पे बी ऑप्शन भी, तो दोनों में रख रख के एक बार चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे, ठीक है, तो इससे सॉल्व करो, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालो, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको कैसे भी लगा सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पे क्या गया, कोई थिन स्लाइस है किसी ग्लास के, किसी सिलेंडर से इसको काटा गया, ठीक है, सिलेंडर से काटा गया और किसी प्लेन मिरर पे इसको रख दिया गया, ठीक है, सिलेंडर से काटा गया फिर प्लेन मिरर पे इसको रख दिया गया, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट ऊपर से डाली, जैसे ये देखो इसका 3D व्यू अगर देखोगे तो ये किसी सिलेंडर पार्ट है, और ये पूरा इसे बीच से काट दिया गया, इसे बीच से फाड़ दिया गया सिलेंडर को, फिर किसी ग्लास के स्लैब पे रख दिया गया उसको, ठीक है, प्लेन मिरर पे रखा गया। अब यहाँ से ऊपर से मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जा रही है, तो अब उसी के बेसिस पे आपको चार ऑप्शन यहाँ पे उनको देखना है। द ऑब्जर्व इंटरफेरेंस फ्रिंज फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन डू नॉट फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बताना है। तो कहा गया द फ्रिंज आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द पीस, देखिए फ्रिंज जो भी डिपेंड करेगा, फ्रिंज जो भी होगी वो यहाँ पे पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट डालोगे तो एक बार इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, दूसरी बार इस सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा, तो जो भी फ्रिंज बनेगी ना तो उसके लेंथ के पैरेलल बनेगी, ठीक है, जो भी फ्रिंज बनेगी तो उसके लेंथ के पैरेलल बनेगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, द फ्रिंज आर स्ट्रेट, देखिए स्ट्रेट बनेगी क्योंकि लेंथ के पैरेलल बन रही है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कहा, द लाइन ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास पीस एंड द ग्लास प्लेट अपीयर डार्क, देखिए यहाँ पे जो होगा तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0, ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, सॉरी पाथ डिफरेंस यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक है, पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा दोनों का, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यहाँ पे डार्क बनेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, द फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज एज वी गो आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिंज की स्पेसिंग इंक्रीज होगी। तो भैया देखिए फ्रिंज की स्पेसिंग जो भी डिपेंड करेगी तो वो फेज डिफरेंस पे और पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है, यहाँ से बाहर जाने पे एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी, आप बाहर जा रहे हो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, दूर जाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्रिंज के स्पेसिंग पे, ठीक है,
ये सिर्फ डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे, तो ये ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका दिया गया है तो यही ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि गलत ही पूछा गया था। डी ऑप्शन द फ्रिंज आर फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कर्व सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल पीस एंड द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लास। बिल्कुल सही भाई, टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ ग्लास, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, और रिफ्रेक्स कहाँ से हो रही है, ठीक है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रही है इस पाथ से, तो दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है, उसी से फ्रिंज बन रही है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए YDSC का क्वेश्चन है, P1 अपॉन P2 का रेशियो पूछा गया, इंटेंसिटी का आ गया, P1 पे मैक्सिमम है, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही है, और P2 के लिए कुछ दिया गया आपको, P2 इज लोकेटेड एट डिस्टेंस इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द फ्रिंज विथ, ठीक है, फ्रिंज विथ के क्वार्टर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे रेशियो बताना, तो सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4I0 के बराबर, आई हो जाएगा जो पावर हो जाएगा इंटेंसिटी, वो 4I0 के बराबर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए, और P2 आपके लिए कहा गया कहाँ पे है, β/4 डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हमको फेज डिफरेंस चाहिए, तो फेज डिफरेंस के लिए फॉर्मूला मैंने एक बार यूज किया, तो आपने पूछा था ये कैसे आएगा, 2π/β(π)y, ठीक है, तो ये देखिए ये आता है 2π/λ, आपको पता है ये इंटू होता है डेल्टा एक्स, ठीक है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इक्वल टू लिख सकते हो आप y/d × d, तो यहाँ पे यूज कर लो आप, ठीक है, y की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स की जगह, डेल्टा एक्स की जगह लिखो dy/d, ठीक है, अब अगर इस d को नीचे लाओ, इस d को नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा, λ/d हो जाएगा, ठीक है, λ d/d हो जाएगा, और y ऊपर रह जाएगा, तो 2π और λ/d की वैल्यू होती है फ्रिंज विथ के बराबर इंटू हो जाता है वाई के बराबर, तो ये फार्मूला यहाँ से निकल गया, बस इसको यूज करो 2π/β, ठीक है, और फिर अब यहाँ पे कहाँ पे कहा गया β/4 डिस्टेंस पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा β/4, तो β कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो आ जाएगा π/2, π/2 पे क्या हो जाएगा, जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो 2I0 के बराबर मिलेगी, P1/P2 का रेशियो पूछा गया, आ जाएगा 2:1 के बराबर, ठीक है, ये देख लेना, थोड़ा लास्ट बार एक लड़के ने पूछा भी था इसको। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे देखिए वेव का इक्वेशन दिया गया आपसे, एम्पलीट्यूड पूछा गया, तो इस फॉर्म में दिया गया y = 5 sin 4π/2 π t + √cos 4π t के बराबर दिया गया, तो हम क्या करें, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, नीचे भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे और 2 डिवाइड करके इनसाइड मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ पे π/2 हो जाएगा, यहाँ पे π/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 60 और साइन ये, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 और cos थीटा, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली क्या लिखा, साइन a + b, ठीक है, वो मान सकते हो आप, तो ये बाहर क्या हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा 10, और यहाँ पे लिख सकते हो साइन 60 + 4π t, ठीक है, इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा, बस एम्पलीट्यूड आपका 10 आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, एंड करेक्शन का फॉर्मूला है इसमें यूज हुआ है, ठीक है, एंड करेक्शन आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया, कह रहा शॉर्टेस्ट लेंथ जो रेजोनेंस के लिए वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होती है, L/4 = L1+E, ये क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर कहा गया था शॉर्टेस्ट लेंथ, तो L1 की वैल्यू रखोगे 10 और एंड करेक्शन दिया 1, तो यह आ जाएगा 11 के बराबर। अब सेकंड लेंथ आपको बतानी है, जो मिनिमम सेकंड लेंथ होगी, नेक्स्ट मिनिमम वाली, ठीक है, तो वो क्या होगी, थर्ड हार्मोनिक वाला होगा, तो यहाँ करोगे 3λ/4 = L2+E की वैल्यू, अब आपको यहाँ पे बताना है L2 की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 3λ/4 की वैल्यू है 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और माइनस हाफ ही, तो E की वैल्यू 1, तो L2 यहाँ से निकल आएगा, L2 = आ जाएगा 11 × 3 = 33 और माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 32, ठीक है, तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर के बराबर। ये काफ़ी लेंथी पेपर था, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो हम आपको बधाई देते हैं, ठीक है, हम आपके आभारी रहेंगे कि आपने इतना टाइम दिया, अपना कीमती समय हमको दिया, ठीक है, और चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।